नाजरीन, आज मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी डोरा केक्स। ये सभी बच्चों को बहुत पसंद आता है। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा, तकरीबन 200 ग्राम, आधा कप पिसी हुई चीनी तकरीबन 100 ग्राम, 2 अंडे, आधा टीस्पून बेकिंग सोडा, आधा टीस्पून वनीला एसेंस, 1 टेबलस्पून शहद, हनी, चॉकलेट स्प्रेड डोरा केक में लगाने के लिए और 1 टेबलस्पून पानी सोडे को घोलने के लिए। सबसे पहले एक गहरे बर्तन में डालेंगे अंडे और चीनी, इन्हें अच्छे से बीट कर लेंगे। इसे तकरीबन 1 मिनट तक बीट करेंगे। अब इसमें डालेंगे शहद, इसे अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें डालेंगे वनीला एसेंस और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालेंगे और मिलाते जाएंगे। इसे हम ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। अब 1 टेबलस्पून पानी में सोडे को घोल लेंगे। ये घुल गया, अब इसे इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लगे तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, लेकिन पानी इसमें ज़्यादा ऐड ना करें क्योंकि हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं रखना है। मैंने यहाँ 1 टेबलस्पून पानी और ऐड किया है, ये अच्छे से मिल गया है। इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। अब एक पैन को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और इसे टिश्यू पेपर से पोंछ लेंगे। गहरे चम्मच की मदद से बैटर को पैन पर डाल देंगे। इनमें बबल आने तक हल्की गैस पर पकाएंगे। इनमें बबल्स आ गए हैं, अब इनको भी पलट कर दूसरी साइड से सेक लेंगे। ये दोनों साइड से सिक गए हैं, अब इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरह से मैं बाकियों को भी तैयार कर लूँ। डोरा केक्स तैयार हैं, अब इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये हो गए हैं, अब इन पर चॉकलेट स्प्रेड लगाएंगे। अब इसके दूसरी साइड पर हम चॉकलेट स्प्रेड लगा देंगे। अब इस पे दूसरे डोरा केक को रख देंगे। ये देखिए, आपका यम्मी टेस्टी डोरा केक तैयार है। आप चाहें तो इसे बच्चों के टिफिन या फिर नाश्ते में उन्हें सर्व करें। ये ज़रूर आपके बच्चों को पसंद आएगा। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।